तो ऑलमोस्ट 10 दिनों से मैं कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स को रिपीट होते हुए देख रहा हूँ, जैसे एंशिएंट वन वर्सेस कैसेंड्रा नोवा, डूम्सडे वर्सेस इकरस, कैप वर्सेस ड्रैग्स और किंग रूट वर्सेस प्रोफेसर हल्क। तो फटाफट इनकी बात कर लेते हैं। एंशिएंट वन वर्सेस कैसेंड्रा नोवा। अब एंशिएंट वन डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले सोर्सरर सुप्रीम हुआ करती थी और ये अपने आप में बहुत पावरफुल थी क्योंकि इसने एल्ड्रिच मैजिक में मास्टरी कर रखी है। साथ में डार्क डायमेंशन से पावर एब्जॉर्ब करती जिसकी वजह से इसकी एज ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी और कहीं ना कहीं मैजिक यूज करने की एबिलिटी भी एनहांस्ड हो गई थी। एंशिएंट वन अपने मैजिक से एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकती है, लोगों के माइंड रीड कर सकती है, टेलीकिनेसिस और एनर्जी बैरियर्स भी बना सकती है। लेकिन कुछ और भी एडिशनल एबिलिटीज एंशिएंट वन के पास देखने मिली, जैसे टाइम स्टोन से फ्यूचर देख सकती थी, साथ में ये टाइम मैनिपुलेशन, मिरर डायमेंशन बनाना, दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल करना, एस्ट्रल फॉर्म में जाना और हैंड टू हैंड बैटल में भी ये बहुत अच्छी थी क्योंकि ये अकेले काइसेलियस के बंटर लोगों से फाइट कर रही थी। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी तक जितने भी स्पेल कास्ट किए हैं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एंशिएंट वन भी उन्हें कास्ट कर सकती है। लेकिन फिर आती है कैसेंड्रा नोवा, जिसके एंशिएंट वन की तरह बाल मिसिंग है लेकिन एक टेलीपैथ है जिसने क्विक सिल्वर स्ट्रेंज वेरिएंट को मार रखा है और उसका क्लोक ऑफ लेविटेशन और स्लिंग रिंग को अपने पास रख लिया। ये बंदी इतनी स्ट्रांग है कि वॉइड में अलॉयड के बाद कैसेंड्रा सेकंड मोस्ट डेंजरस बीइंग बन जाती है और इसके पास मेमोरी मैनिपुलेशन, टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी की एबिलिटीज है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएगी तब एंशिएंट वन को अपने मैजिकल एबिलिटीज का एडवांटेज तो मिलेगा क्योंकि मैजिक की वजह से अटैक करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुल जाती है और हो सकता है कि ये बैरियर क्रिएट करके नोवा के टेलीपैथिक अटैक्स को भी ब्लॉक कर दे। ऊपर से एंशिएंट वन के पास बहुत सारी नॉलेज है तो वो नोवा को आउटस्मार्ट कर सकती है। अगर एंशिएंट वन के पास टाइम स्टोन हुआ तो वो जीत जाएगी क्योंकि वो नोवा के सारे एक्शंस को रिवर्स कर सकती है, बट टाइम स्टोन एंशिएंट वन की खुद की पावर नहीं है इसलिए हम उसे अलग रखते हैं। अब नोवा के पास एंशिएंट वन के कंपैरिजन में काफी कम एबिलिटीज है लेकिन हम सब पास्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं कि एल्ड्रिच मैजिक यूजर टेलीकिनेसिस से थोड़े वीक होते हैं और एंशिएंट वन की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की है। साथ में स्पेल कास्ट करने के लिए एंशिएंट वन को अपने हाथों का यूज करना पड़ता है, बट नोवा वुल्वरिन की तरह एंशिएंट वन के हाथों के मूवमेंट को रोक सकती है। साथ में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एंशिएंट वन ड्यूरेबिलिटी लैक करती है इसलिए नोवा चाहे तो अपने टेलीकिनेसिस से इसके बोन्स को ब्रेक कर सकती है या फिर इसकी स्किन निकाल कर फेंक सकती है। ऊपर से नोवा को अपनी हीलिंग एबिलिटी का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा इसलिए एंशिएंट वन भले एक मैजिक यूजर हो लेकिन लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी और टेलीकिनेसिस से वीक होने की वजह से कैसेंड्रा नोवा यहाँ पर जीत जाएगी। डूम्सडे वर्सेस इकरस। अब डूम्सडे जनरल जॉड ही है, वो तो इस पे एक्सपेरिमेंट हो गए थे इसलिए एक मॉन्स्टर बन गया, बट डूम्सडे इतना डेंजरस क्रिएचर है कि क्रिप्टोन के लॉ में साफ लिखा है कि इसे बनाना पूरे तरीके से इलीगल है। बट ये क्रिएचर अकेला है जो सुपरमैन को एक फेयर फाइट में ओवर आउट कर सकता है। ये नियरली इंडिस्ट्रक्टिबल है जिसके पास एबिलिटी है टाइम के साथ खुद को अडेप्ट करने की, इसलिए डूम्सडे पर जितने भी मर्जी अटैक कर लो इसे डैमेज तो होगा लेकिन ये हील कर जाएगा और साथ में पावरफुल बन जाएगा। वंडर वुमन और सुपरमैन डीसी यूनिवर्स के हैवी हिटर्स है लेकिन ये दोनों मिलकर भी डूम्सडे को बीट नहीं कर सकते थे। इनफैक्ट अगर वंडर वुमन टाइम पे ना आती तो ये मॉन्स्टर सबसे पहले बैटमैन को और फिर सुपरमैन को मार देता। वैसे हमेशा गुस्से में रहता है इसलिए इसके पास कोई स्पेसिफिक बैटल स्किल्स नहीं है, इसके पास एनर्जी अटैक से ही अपने आंखों से हीट विजन रिलीज करता है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक आखिर में क्रिप्टोनियन ही है जिसकी बॉडी में सन की रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। और सेकेंड है न्यूक्लियर पल्स जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है और इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अगर कोई आ गया तो उसके मरने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात करें इकरस की तो ये एक इटर्नल है जिसे सेलेस्टियल आर्शम ने कॉस्मिक पावर से बनाया था। वैसे तो एक रोबोट है लेकिन इसके पास ह्यूमन इमोशंस है, इसका खून भी निकलता है और ब्रेकअप भी हो रखा है बेचारे का। बट गिलगमेश के बाद इकरस फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसके पंचेस से शॉकवेव तो प्रोड्यूस नहीं होते बट काम चल जाता है, लेकिन ये उड़ सकते हैं और साथ में अपने आंखों से कॉस्मिक बीम रिलीज करता है। इटर्नल्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट डेवियंट्स को ये आराम से जला सकती है और पिछले 7000 साल में इकरस ने ना जाने कितने डेवियंट्स को मार चुका है। इसने इटर्नल से भी फाइट किया और कहीं ना कहीं ये सारे इटर्नल्स से सुपीरियर था, फिर चाहे वो रॉ स्ट्रेंथ हो या फिर एनर्जी बेस्ड अटैक। बट जब इकरस डूम्सडे से फाइट करेगा तब स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स डूम्सडे के ज्यादा देखने मिलेगी क्योंकि मॉन्स्टर ऑलरेडी वंडर वुमन और सुपरमैन को फिजिकली ओप आउट कर चुका है और टाइम के साथ ये खुद को अडेप्ट करते रहता है इसलिए आखिर में इसकी रॉ स्ट्रेंथ को बढ़ना ही है। अब ऐसा नहीं है कि इकरस के पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, बस हम इकरस के रॉ स्ट्रेंथ के फुल पोटेंशियल के बारे में नहीं पता, ना ही इसके पास रॉ स्ट्रेंथ को लेकर कोई फीट्स है, इसलिए अपने अडेप्टेबल नेचर की वजह से डूम्सडे को स्ट्रेंथ एडवांटेज मिलेगा। फिर बात आती है न्यूक्लियर पल्स की, तो बैटमैन इसे सर्वाइव कर चुका है जो कि एक ह्यूमन ही है और इकरस तो कॉस्मिक पावर से बना एक रोबोट है, उसे थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है लेकिन वो मरेगा नहीं इस अटैक से। और फिर आता है हीट विजन वर्सेस कॉस्मिक विजन, ये दोनों अपने एनिमीज को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है लेकिन हीट विजन की डेंसिटी हमें ज्यादा देखने मिलती है इसलिए डूम्सडे की हीट विजन ज्यादा पावरफुल है। और भले ही इकरस डूम्सडे को कितनी भी अच्छी फाइट दे आखिर में बात यहाँ पर अटक जाती है कि ये बंदा डूम्सडे को मारेगा कैसे,
क्योंकि फिजिकली इस मॉन्स्टर को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ क्रिप्टोनाइट इसकी एक लौती वीकनेस है, लेकिन वो भी इकरिस के पास नहीं है। इसलिए अगर इकरिस को कोई क्रिप्टोनाइट दे देता है तो वो डूम्सडे को मार गिरा सकता है, नहीं तो इकरिस किसी भी हालात में डूम्सडे को बीट नहीं कर पाएगा। कैप्टन अमेरिका वर्सेस ड्रैक्स। अब कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स का लीडर था, जिसे सुपर सोल्जर सीरम की वजह से पीक ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिली, और साथ में इसके पास एक वाइब्रेनियम शील्ड है जो एटलीस्ट एंड गेम तक ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टेबल थी। बट कैप्टन अमेरिका ने आज तक कई सारे पावरफुल सुपर विलन के साथ फाइट किया है, कई बार जीता है तो कई बार हार भी चुका है। बट पीक ह्यूमन होने के बाद भी कैप ने अपने से कई गुना ज्यादा पावरफुल एनिमी से फाइट किया है। लेकिन जब बात आती है ड्रैक्स की, तो इसे कुछ ज्यादा ही डीपावर कर दिया है एमसीयू में, क्योंकि कॉमिक्स का ड्रैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये अकेला थैनोस को मार चुका है, बट सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस तो बहुत दूर की बात है, ड्रैक्स रोनन के सामने कोई मैच नहीं था। लेकिन फिर भी बाकी गार्डियंस मेंबर के कंपैरिजन में ड्रैक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर बुलेट्स का असर नहीं होता है, और साथ में इसकी स्किन को कट करना भी बहुत हार्ड काम हो जाता है। ड्रैक्स के पास वैसे तो कोई स्ट्रेंथ फिट नहीं है, लेकिन ये गार्डियंस का फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, तब हमें कैप ज्यादा फास्ट और एजाइल देखने मिलेगा, जो अपने बैटल टेक्निक्स का यूज करेगा, और साथ में शील्ड होगी जिसकी वजह से ड्रैक्स के कई सारे हिट से वो खुद को प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरी ओर ड्रैक्स बैटल स्किल्स तो लैक करता है, लेकिन इसके पास कैप से ज्यादा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देखने मिलेगी। लेकिन कंक्लूजन की बात करें तो ड्रैक्स फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फाइट के दौरान सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होता है, बैटल में इंटेलिजेंस, रिफ्लेक्सेस और कुछ स्किल्स भी मैटर करती है, और ये सारी चीजें कैप्टन के पास है। कैप ने थानोस जैसे को कुछ देर के लिए अच्छी टक्कर दी थी, इसलिए ड्रैक्स एक अच्छा अपोनेंट है, लेकिन कैप के स्किल्स, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस और स्पीड की वजह से उसे एक अपर हैंड मिलेगा, और एक लंबी फाइट के बाद फाइनली कैप्टन अमेरिका ड्रैक्स को बीट कर देगा। किंग ग्रूट वर्सेस प्रोफेसर हल्क। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के फाइनल सीन में हमें किंग ग्रूट देखने मिला, लेकिन इसने आराम करने के अलावा कुछ नहीं किया, इसलिए अभी के लिए फीटलेस कैरेक्टर है। लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि ट्री नेचर होने की वजह से ये खुद की बॉडी को रीजनरेट कर सकता है, और साथ में हैवी ब्रांचेस प्रोड्यूस कर सकता है। अब इसमें कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो तो अब फ्यूचर में पता चलेगा। बट अगर हम कॉमिक्स के किंग ग्रूट की बात करें तो वहाँ पर ग्रूट फेमस है अपने प्लांट लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। किंग ग्रूट के पास अनलिमिटेड पावर्स का एक्सेस होता है जंगल में, और ये अपने सराउंडिंग्स को यूज करता है अपने एनिमी पर अटैक करने के लिए। इसलिए एनिमी समझ नहीं पाता कि ग्रूट कहाँ से अटैक करने वाला है। वैसे तो ग्रूट की हीलिंग एबिलिटीज भी बहुत अच्छी है, लेकिन फायर और कुछ कॉस्मिक पावर्स भी ग्रूट की सबसे बड़ी वीकनेस है। लेकिन जब बात आती है प्रोफेसर हल्क की, तो इसने कई महीने लगा दिए ब्रूस का दिमाग और हल्क की बॉडी को एक करने में। अब हल्क है लेकिन स्मार्ट बन चुका है, लेकिन ब्रूस पहले से वॉलियंस के अगेंस्ट में था, इसलिए आज के डेट में प्रोफेसर हल्क के पास एक भी अच्छी स्ट्रेंथ फिट नहीं है, क्योंकि ब्रूस बैनर हल्क जैसे फाइट नहीं कर सकता। लेकिन हमें इतना पता है कि प्रोफेसर हल्क थंडर क्लैप कर सकता है, और इसने एवेंजर्स एचक्यू को भी होल्ड करके रखा था, तो इसकी स्ट्रेंथ लेवल पर हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि ये फाइट कहाँ हो रही है। जैसे अगर किसी रेगिस्तान या फिर सिटी के अंदर फाइट होती है तो किंग ग्रूट हार जाएगा, क्योंकि वह उसके पास अपने नेचुरल फोर्सेस का एक्सेस नहीं है, इसलिए वो अपने फुल पोटेंशियल पर कभी जा ही नहीं पाएगा। बट प्रोफेसर हल्क को किसी नेचर पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो बिना होल्ड बैक के किंग ग्रूट पर अटैक कर देगा, और एक टाइम के बाद उसे नॉकआउट भी कर देगा। लेकिन अगर इन दोनों की फाइट जंगल साइड होती है, तो अभी यहाँ पर प्रोफेसर हल्क की फाइट ग्रूट के साथ नहीं बल्कि पूरे फॉरेस्ट के साथ होने वाली है, क्योंकि हमारा प्रोफेसर हल्क की तरह एग्रेसिव होकर तो फाइट नहीं करता, इसलिए किंग ग्रूट एग्रेसिव होकर फाइट करेगा और कई सारे ब्रांचेस में उसे उलझा कर रख देगा। इसलिए फॉरेस्ट साइड एरिया में अगर इनक्रेडिबल हल्क हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो किंग ग्रूट को बीट कर दे अपने एग्रेशन से। बट अभी हम प्रोफेसर हल्क की बात कर रहे हैं और इसमें जरा सा भी एग्रेसिवनेस नहीं है, इसलिए किंग ग्रूट की जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बट डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। कैसेंड्रा नोवा वर्सेस कैंग द कॉन्करर। अब कैसेंड्रा की बात हम ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में कर चुके हैं, लेकिन एमसीयू में दो कैंग द कॉन्करर एक्शन में देखने मिले। फर्स्ट है ही हू रिमेंस और दूसरा कैंग द कॉन्करर। अब ही हू रिमेंस तो टाइम के बियॉन्ड रहता है, उसकी मर्जी के बिना उस तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल है। लेकिन मान लेते हैं कि कैसेंड्रा काफी स्ट्रगल करके कैंग तक पहुंच भी जाती है, उसके बाद भी वो ही हू रिमेंस का कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्योंकि इस बंदे को ऑलरेडी इसके फ्यूचर के बारे में पता होता है। इसलिए कैसेंड्रा के सारे अटैक्स के बारे में ही हू रिमेंस ऑलरेडी जानता है। ऊपर से ही हू रिमेंस चाहे तो कैसेंड्रा की बॉडी का टाइम रोक सकता है, और नोवा के पास टाइम रिलेटेड एबिलिटीज से काउंटर करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए जब तक ही हू रिमेंस के पास टाइम एबिलिटीज है कैसेंड्रा उसे नहीं मार सकती। लेकिन जब बात आती है कैंग द कॉन्करर की, तो इसके पास टाइम एबिलिटीज को छोड़कर दुनिया भर की सुपर पावर्स है, जैसे एनर्जी मैनिपुलेशन, प्रोजेक्शन और टेलीकिनेसिस। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कैसेंड्रा के पास भी टेलीकिनेसिस है, और कैंग की सारी पावर्स आखिर में उसके आर्मर की देन है, इसलिए कैसेंड्रा अपने फेजिंग और टेलीकिनेसिस से कैंग का आर्मर को खराब कर सकती है। और कैंग आखिर में एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, एक बार उसका आर्मर डैमेज हो गया तो नोवा उसकी स्किन को निकाल सकती है। इसलिए कैंग द कॉन्करर भले एंटमैन के सामने ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है, लेकिन कैसेंड्रा नोवा के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, और आखिर में वो हार जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज के सारे रैंडम क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।